तो दोस्तों अभी 11:45 हो रहा है और हम अभी तिरुपति होटल से यहाँ से निकल रहे हैं। ड्राइविंग पे अभी फिर से महेंद्र भाई रहेंगे और अपने पूनाराम भाई अभी आराम करने के लिए जाएंगे। तो होल्ट अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आगे की जर्नी हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी पुणे सिटी के अंदर से महेंद्र भाई अपने बस पुणे सिटी के अंदर से होते हुए जाएंगे, नहीं पुणे बाईपास से फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए पोरबंदर के लिए निकलेगी। ठीक है, तो मुंबई का टाइमिंग कितना बजे का रहता है? 2 बजे के आसपास का रहेगा मेरे ख्याल से। 2 बजे पनवेल पहुँचे, 2 बजे पनवेल पहुँचेगी थाना ऐरोली होगा। दोस्तों अभी मुंबई यहाँ से 121 किलोमीटर है, अभी हम फिलहाल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं। टाइम अभी 1:15 ड्राइंग पे, फिर अभी महेंद्र भाई जाने हैं अभी और राकेश भाई भी यहाँ बैठे हुए। राकेश भाई कैसे हो? बढ़िया। कहाँ की है? वो अभी पुना तक की है। पुना तक की है, जोधपुर से? हाँ, वो आगे से। अच्छा, महेंद्र जानते हो मक्सीम की वो बहुत बड़ी प्रेम का थी, तो
दो तीन दिन रुके लगा लो शाम को बैठ मायरी बनी बस के बाद पत्थर की और फिर कपड़ा बड़ा सूखने लगा तो 2:30 बजे मुंबई में एंटर होते हुए महेंद्र जी अभी मुंबई में कहाँ से होते हुए जाएंगे? अभी पनवेल आया है, खारगर कुर्बे थाना गोड़बंधन फाउंटेन होटल। दोस्तों अभी 4:20 हो रहे हैं और हम मुंबई में हैं। और महेंद्र भाई आप कभी ऐसा आए हो जैसे कि मुंबई में हो और ट्रैफिक आपको ना मिले? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होता, डेली मिलता है। डेली मिलता है मुंबई में आने यानी आपको ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। तो महेंद्र भाई का भी यही कहना है कि मुंबई में आओगे तो समझ जाना ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा। किधर पोरबंदर का ये दिल्ली का रहता है ना ये? तो दोस्तों बेंगलोर से मुंबई और मुंबई से अब जोधपुर, बेंगलोर से मुंबई 1000 किलोमीटर होता है, अब मुंबई से जोधपुर और 1000 किलोमीटर बाकी रहेगा। दोस्तों अभी 5 बज गया है और मुंबई से थोड़ा सा आगे निकलते ही और ट्रैफिक जाम मिला है। महेंद्र भाई अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम क्यों है बता सकते हो? कुछ आगे हुआ होगा कुछ तो आगे प्रॉब्लम, वरना ये रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता है ना। सामने से कौन सी बस आ रही है अभी? अपनी आ रही है बेंगलोर जाने वाली गाड़ी, बेंगलोर जाने वाली। तो टोटल 4 गाड़ियाँ रहती है, तो एक गाड़ी अभी बेंगलोर में होगी जो आज निकलेंगी, एक जोधपुर में होगी और अभी एक मुंबई में अपने जैसा, वो सामने वाले रूट से अभी आ रही है। ऐसी सेम 4 बस है ना टोटल, चारों वॉल्वो B11 आ रहे हैं। अरे महाराज, अरे अन्ना आले इंडिया में, अन्ना आले
बन गया इसकी वजह से। ये बस अभी जो अपने सामने से गई, कितने बजे पहुंचेगी कल बेंगलोर? सुबह 12 बजे। दोस्तों राजस्थान जाने वाली मेरे ख्याल से बहुत सारी बसेस यहाँ पे होल्ड करती है। पिछले टाइम भी मैं महादेव ट्रैवल्स में गया था, तभी भी एक महादेव ट्रैवल्स ने यहाँ पे होल्ड किया था बस को। तो अभी फ़िलहाल आगे महाराष्ट्र बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर है। तो मैं थोड़ा सा लेट ही नहीं हुआ एक्चुअली, मैं टाइम पे आ गया। अभी 10 मिनट ऑलरेडी हो गए, तो सती माता होटल से निकलते हैं। जाकर जाकर राकेश भाई रेडी? सब रेडी। जोधपुर लास्ट पार्किंग तक। तो अपने महेंद्र भाई भी, और कहाँ तक ड्राइविंग करोगे? शाम तक, नौ सारी तक। अभी और टाइम है। महेंद्र भाई भी कब से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे? दोस्तों 6:30 और शाम का टाइम अभी ख़त्म हो गया, अभी रात स्टार्ट होने वाली है और हम पहुँचे महाराष्ट्र बॉर्डर। अजय भाई अल्टरनेटर चला गया भाई। तो अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लाइट आ गई, एसी बंद हो गई, लाइट आ गई, एसी बंद हो गई। महाराष्ट्र चेक पोस्ट, यहाँ पर गाड़ी का वजन चेक किया जाता है।
दोस्तों अभी महाराष्ट्र बॉर्डर पे गया, अभी गुजरात में हम एंटर हो चुके हैं और अभी महेंद्र भाई की नाइट ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। वेंटिलेटर खोल दे, वेंटिलेटर दो और खोल दे, लाल लो इधर पड़ जाला। अभी डीजल के लिए यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर रहे हैं। गुजरात में आग तो गए हैं, अभी प्रॉपर 7 PM हुआ है। सो बस में एक थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, कुछ स्विच वगैरह कुछ ख़राब हो गया है जिसकी वजह से बस का अभी AC बंद हो गया है। तो जो मैकेनिक वगैरह है उनको बुलाया है नियरिस्ट में, तो कुछ टाइम में वो भी शायद ठीक हो जाएगा जल्दी, देखते हैं। मैं आपको अपडेट देते रहूँगा क्या अपडेट है क्या नहीं। राकेश भाई कितना लीटर का टंकी है? 550 ना, 520 का, 520 का है। तो अभी टंकी फुल कर देगा इसको फुल, तो 520 का पूरा डीजल फुल किया जाता है यहाँ पे 520 लीटर, क्या बात है। और डीजल का प्राइस चल रहा है 93.4, अभी आप कैलकुलेट कर लो 140 और 94 के हिसाब से कितना होगा। तो डीजल की टंकी तो फुल हो गई है, तो चलो अब निकलते हैं। दिक्कत कर रहा है तो अभी महेंद्र भाई कुछ स्विच वगैरह चेंज कर रहे हैं। टाइम तो नहीं नीचे? हाँ कोई नहीं, कोई 5 मिनट खड़े हो जाओ बाहर। दोस्तों 9:50 और हम पहुंचे हैं सूरत। महेंद्र भाई अभी ये रात का होल्ड करेंगे डिनर के लिए। हाँ जी, आधे घंटे के लिए ब्रेक करेंगे फिर से इधर सूरत में के आगे। और आपका आराम हो गया पूरा? आराम भाई क्या बोलते आराम हो गया आपका? आराम तो अभी आप फुल नाइट अब ड्राइविंग करने वाले लग रहे हैं अभी। सुबह सात बजे तक। 7 बजे क्या आने वाला है फिर? सिरोही राजस्थान। हाँ राजस्थान, ठीक है। तो महेंद्र भाई आपने कितने टाइम से अभी ड्राइविंग किया, कितना घंटा हो गया अभी? 8 घंटा का इसी हो गया। तो कैसा लग रहा है अभी? बस हाथ पैर कमर सब दर्द दे रहे हो रहे थोड़ा हो रहे। तो अभी आप फिर सुबह में वापस ड्राइविंग करोगे 7 बजे से फिर आप पूरा पार्किंग तक जोधपुर में। और हमारे राकेश भाई की सबसे पहले ड्यूटी ये चालू हो जाती है। राकेश भाई अभी क्या मिरर विरर साफ़ करोगे पहले? ग्लास वगैरह साफ करेंगे, टायर वगैरह फिर से चेक करेंगे, हर होटल में इनको ये करना ही पड़ता है।
होटल विनायक, और यहाँ से अभी हमने 25 मिनट निकाल दिया, अभी 12 बजने में 5 मिनट और है, तो अभी कुछ टाइम में यहाँ से निकलते हैं। और अभी ड्राइविंग पे है अपने पूनाराम भाई, जो यहाँ से अब ड्राइविंग स्टार्ट करने वाले हैं। पालनपुर क्रॉस करने के बाद राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। तो राकेश भाई भी बैठे हुए, राकेश भाई अभी आप आराम कब करोगे फिर? अभी भरूच का पिकअप पॉइंट है, पैसेंजर बिठा के बाद में चलाएंगे। अच्छा अच्छा, और हमको तकरीबन 24-25-26-27 घंटे हो गए हैं जर्नी को, तभी और देखते हैं हमको कितना टाइम लगने वाला है। इधर का क्या बात है। और सुबह का होल्ड हम कर रहे हैं मारुति आनंद होटल में, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, सामने सनराइज हो चुका है, मजा आ रही है। अब सुबह का थोड़ा बहुत नाश्ता हाथ में धो लेते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों अभी 8 बजने में और 5 मिनट है, तो अभी यहाँ से बस निकलने की तैयारी है।
पैसेंजर उतरना चालू होते हैं ना। हाँ, ये बाईपास है। हाँ, अंदर रास्ता अलग है, ये बाईपास है। ये बाईपास से होते हुए जाएंगे अपन। पूरा घाट इलाका है ऐसा। हाँ, तो कितना किलोमीटर तक ये रहेगा? ये लगभग 10 किलोमीटर। दोस्तों फिलहाल हम पाली पहुँचे हैं। 10:40 हो रहे हैं अभी और यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास रास्ता है। महेंद्र भाई भी इधर ही है। मिर्ची वड़ा, ये बारिश के टाइम में एक दिन का 2.5 करोड़ का मिर्ची वड़ा बिका। कितना? एक दिन का, एक दिन की सेल हुई 1.5 करोड़ की। कहाँ पे? पूरे जोधपुर में। पूरे जोधपुर इतना फेमस है? इतना फेमस है? हाँ, एक ही दिन में। बारिश में बहुत ज़्यादा चलता है। बारिश किस दिन में? क्या बात। तो अगर आप जोधपुर आते हो तो ये ज़रूर एक बार ट्राई करना, जोधपुर के मिर्ची वड़े। दोस्तों फाइनली जोधपुर में मिर्ची के वड़े खाते खाते हमारी जर्नी अभी ख़त्म हो रही है। तो पहले मैं ये खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। महेंद्र भाई कौन सा इलाका है ये? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर ये लास्ट स्टॉप है ना इसका, और ये मेन ऑफिस है इसका? नहीं, ऑफिस आगे और एक और भी ऑफिस है। 10 से 15 ऑफिस। अच्छा, इधर ही जोधपुर में लगेज ऑफिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी सामान सब निकाल के अंदर सिटी में। अच्छा, नो एंट्री है, अंदर नहीं जाते। अच्छा अच्छा, अभी एंट्री नहीं है ऐसा? ठीक है, तो अभी ये सब साफ सफाई करके पार्किंग में। हाँ, पार्किंग है। राकेश भाई क्या डाल रहे हैं अंदर? यूरिया डाल रहे हैं। यूरिया तो इसके इंजन के अंदर यूरिया डाला जाता है। यूरिया क्या होता है मुझे भी पता नहीं। क्या काम आता है ये? ये इससे धुआं कम आता है, धुआं प्रदूषण कम होता है। अच्छा, खोलो जी खोलो। तो पार्किंग में पहुंच गए अभी हम। यही पार्किंग है ना महेंद्र भाई? दोस्तों अभी इस पूरी बस को साफ सफाई किया जाएगा, जो भी कचरा वगैरह है फिर से सबको मस्त सैनिटाइज वगैरह करो, खुशबू डालो, एसी वाली बस को क्लीन कर दो। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। अभी यहाँ पे बस की सर्विस वगैरह होगी, बस को अच्छे से साफ सफाई वगैरह करेंगे। बस का थोड़ा कुछ एसी वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो रिपेयर करेंगे। तो ख़त्म करते इस ब्लॉग, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही मैं रिटर्न मुंबई जाने वाला हूँ मैं शाम को। ये अपने मैकेनिक भाई है जो एसी वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो यही सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली 12 बजे हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। महेंद्र भाई
कैसा लगा बेंगलोर से जोधपुर का जर्नी? बढ़िया, हमारा दिल्ली का आना जाना रहता है। आपका तो दिल्ली, हमको तो बढ़िया लगा। तो क्या बोलते हो, कैसा आपको एक्सपीरियंस क्या होता है दिल्ली आने आना जाना, इतना कड़क धूप गर्मी बारिश वगैरह में? अब दिल्ली जाते हैं, अब हैबिट पड़ गया है दिल्ली का। हैबिट हो गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है वैसे ही आपको। और तो अभी क्या करोगे यहाँ पे पार्किंग में? बस ये गाड़ी की साफ सफाई होगी, खाना खा के थोड़ी देर सो जाएंगे। ओके, फिर वापस आज शाम को निकलोगे? ओके, तो आप ज़्यादातर आप घर से ज़्यादा तो फिर अपनी गाड़ी में ही रहते हो गए? गाड़ी हमारा घर ही है। गाड़ी आपका घर है, ठीक है। और इंस्टा पे क्या बोलते हो, इंस्टा पे क्या हाल चाल है? बढ़िया है, वीडियो बनाते हैं। बढ़िया है, बहुत खतरनाक वाली वीडियो बनाते हैं। मैं भी अभी अपने महेंद्र भाई के साथ भी वीडियो वगैरह मैं डालने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखना। तो चलो महेंद्र भाई, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो। और अपने भाई, आपका काम बहुत बढ़िया लगा, आप बहुत अच्छी खतरनाक सर्विस दिया है आपने। और अभी आप क्या करने वाले हो, फिर से बस की साफ सफाई? साफ सफाई करवाएंगे। ओके, फिर वापस पूरी बस को रेडी करके फिर आप आज के आज ही निकलोगे आप? आज के आज नाइट में। क्या बात है, 9 बजे का टाइमिंग है ना महेंद्र भाई यहाँ से? 10 बजे का टाइमिंग है। 9-10 बजे का टाइम है। और फिर वापस जोधपुर बेंगलोर कितने बजे आप पहुँचते हो? 11 बजे, वही सुबह 11 बजे, ठीक है। चलो फिर अपने अपने पूनाराम भाई तो सोए, ठीक है, चलो उनको आराम करने दो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।